एक ज्वेलर जिनका शॉप का नाम भरत ज्वेलर्स है, दिन दहाड़े डकैती हुई थी। सारी कार्रवाई बहुत ही निष्पक्ष और साक्ष्यों के आधार पर हुई है। इस घटना को कारित करने के लिए दो समूह में अपराधी पहुंचे थे। घटना के लिए जो गेटअवे व्हीकल था वो एक बोलेरो था। डकैती में जो सीधे शामिल रहे वो दुकान के अंदर घुसे थे वो थे फुरकान अनुज प्रताप सिंह, अरबाज मंगेश यादव और अंकित यादव और शेखर। आप सबको विदित है कि 28 अगस्त 2024 को सुल्तानपुर के घंटाघर जो कि कोतवाली नगर में स्थित है, दिन में लगभग 12:45 बजे एक ज्वेलर जिनका शॉप का नाम भरत ज्वेलर्स है, दिन दहाड़े डकैती हुई थी। इस संबंध में जो अब तक की कार्रवाई की गई है उसको प्रॉपर साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करने के लिए हमारी टीम यहाँ एकत्रित हुई है। हम लोग इसके बारे में जो तरह तरह की भ्रांतियाँ हैं उसको आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाह रहे हैं। सारी कार्रवाई बहुत ही निष्पक्ष और साक्ष्यों के आधार पर हुई है और जब आप अभी इन चीज़ों को देखेंगे तो आप खुद इन चीज़ों को महसूस करेंगे। इस घटना को अंजाम देने वाला जो गैंग लीडर था उसका नाम विपिन सिंह है। विपिन सिंह द्वारा 5/3/17 को थाना चौक जनपद लखनऊ में मुकुंद ज्वेलर्स के यहाँ भी जो एक दुस्साहसिक डकैती घटना हुई थी उसका भी लीडर यही था और साथ ही 2023 में इसी प्रकार की घटना गुजरात में सूरत सिटी में एक ज्वेलर के यहाँ की गई थी, उसमें भी ये विपिन सिंह का गैंग लीडर नाम प्रकाश में आया था और ये काफ़ी समय तक जेल में रहा। इस घटना को कारित करने वाले के लिए करने के पहले दुकानों की रेकी की गई थी। 15/7 को और 13/8 को इस घटना की रेकी हुई थी। कुछ हमारे पास वीडियोज़ हैं जिसको आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। रेकी करने वाले अपराधियों का नाम था विपिन सिंह, फुरकान उर्फ गुजर, अरबाज सचिन सिंह व पुष्पेंद्र उर्फ डब्लू। इस घटना को कारित करने के लिए दो मोटरसाइकिल्स को जौनपुर से चोरी किया गया था। इसमें चोरी करने की योजना मंगेश यादव की थी, चोरी में यह व्यक्ति शामिल था, साथ ही अजय उर्फ डीएम भी इस चोरी में शामिल थे। इस घटना को कारित करने के लिए दो समूह में अपराधी पहुंचे थे। घटना के लिए जो गेटअवे व्हीकल था वो एक बोलेरो था और उसमें पुष्पेंद्र उर्फ डब्लू, सचिन सिंह और त्रिभुवन कोरी, ये तीन लोग उसमें थे और गेटअवे का प्लान इन तीन लोगों ने बनाया था। इन तीन लोगों ने ही गाड़ी का इंतजाम किया था जो पुष्पेंद्र उर्फ डब्लू का था। जिस समूह ने घटना को किया यानी डकैती में जो सीधे शामिल रहे वो दुकान के अंदर घुसे थे वो थे फुरकान अनुज प्रताप सिंह, अरबाज मंगेश यादव और अंकित यादव और शेखर। इनके साथ अरबाज द्वारा लाया गया एक अज्ञात व्यक्ति भी है जिसका नाम अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। इसके अलावा विपिन सिंह, विनय शुक्ला, अजय यादव, अरविंद यादव, विवेक सिंह और दुर्गेश प्रताप सिंह, ये सभी उस घटनास्थल के आसपास घेराबंदी किए हुए थे ताकि अगर कोई समस्या होती है तो ये फायर कर सकें,
पुलिस को डाइवर्ट कर सकें और साथियों को भागने में मदद कर सकें। ये सभी चीज़ें पूरे सीसीटीवी के विश्लेषण, टेक्निकल विश्लेषण, अपराधियों के जो अपराधी गिरफ्तार हुए हैं उनके पूछताछ से ये सारी बातें क्लियर हुई हैं। इसमें इस अनावरण के लिए एसटीएफ, जनपदीय पुलिस सभी ने मिलकर काम किया और घटना का अनावरण किया।